नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हम हैं इंसान एनजीओ की तरफ से पिछले 4 महीनों से पेंटिंग और रंग रोधन के द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान छेड़ा गया था। और 4 महीने के पश्चात सागर में यह अभियान के पूर्णता होने के बाद अब सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके प्रथम चरण में सागर के राहतगढ़ नगर परिषद के बस स्टैंड की पास की दीवारों का रंग रोधन कर सुंदर पेंटिंग्स बनाने से शुरू किया गया। आपको बता दें कि हम हैं इंसान टीम पिछले 4 माह से सागर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का कार्य कर रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके प्रथम चरण के रूप में राहतगढ़ का चुनाव कर 2 फरवरी 2020 को आयुष श्रीवास्तव के सहयोग से हम हैं इंसान टीम में राहतगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित रेस्ट हाउस की बाहरी दीवारों की साफ सफाई कर रंग रोधन किया और तत्पश्चात बुंदेली आकृतियों के साथ स्वच्छता के संदेश लिखे। इसके साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास की सफाई भी की गई और अभियान में राहतगढ़ के युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम हैं इंसान समूह के प्रमुख शुभम श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी रविवार को आयुष श्रीवास्तव के तत्वावधान में राहतगढ़ में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माह के 2 रविवारों को स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ राहतगढ़ के युवाओं का आह्वान करते उन्होंने कहा कि राहतगढ़ को सुंदर और स्वच्छ बनाने में योगदान दें। वहीं आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत जो भी खर्चा आता है वह हमारी टीम हम हैं इंसान के द्वारा आपस में चंदा करके सभी टीम के लोग इस कार्य का खर्चा उठाते हैं। वहीं इस कार्य को देखकर राहतगढ़ नगर के युवाओं एवं बड़े बुजुर्गों ने इस कार्य में अपनी रुचि दिखाई है और नगर के अनेक नगरवासी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इस कार्य में पत्रकार साथियों ने भी कार्य करने में रुचि दिखाई व कांग्रेस के अधिक पदाधिकारियों ने इस कार्य में सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शैलेंद्र श्रीवास्तव, दीपक जैन डैनी, शोएब कुरैशी, विनोद ओसवाल, पंकज जैन, अरविंद राजपूत, टिंकू राजा, फहीम कुरैशी, अनुराग पाठक, अमित सोनी, रईस कुरैशी, विकास जैन, आदाब मंसूरी, दिनेश साहू, सलमान कुरैशी, अनिल श्रीवास्तव, मनोज कपूर सहित भारी संख्या में युवा और लोग उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं राहतगढ़ से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या इसका उद्देश्य है? हमारी संस्था का नाम है हमें इंसान। इसका टैगलाइन है जागृत युवाओं का संगठन। हमारी संस्था का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जो भी हमें लगता है कि ये गंदगी है, ये चाहे वो मानसिक गंदगी हो चाहे दीवार की गंदगी हो, उसको हमें दूर करना है और उसी प्रयास में हम प्रत्येक रविवार को निकल पड़ते हैं और 2 घंटे 5 घंटे जितना भी लगे फिर देख लेते हैं कि शहर की कौन सी जगह, आवेदन भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं शासन से कि आप पहले करवा दीजिए। और लगता है जब वो नहीं करते तो हम लोग खुद मैदान में आ जाते हैं और अपने पैसों से अपने उस दीवार को अच्छा करते हैं, उसका बुंदेली आकृति ही बनाते हैं। जैसे कि हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं तो हमारा ये उद्देश्य भी है कि अपनी बुंदेली संस्कृति को लोगों तक जाने पहुँचाएँ, तो हम उसे बुंदेली आकृतियाँ ही बनाते हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी रहती है, क्या क्या काम इसमें करते हैं? हम जैसे कि जन जागरण रैली निकालते हैं, से नो टू प्लास्टिक कैंपेनिंग करते हैं, कपड़े के थैले बांटते हैं और इस तरीके से स्वच्छ सागर सुंदर सागर हमने एक अभियान को नाम दिया है। तो जो भी दीवारें गंदी दिखती हैं उनको हम बुंदेली आकृति बनाते हैं और आने वाले भविष्य में भी हम ब्लड बैंक का भी स्थापना कर रहे हैं, तो हमारी टीम का एक ब्लड बैंक का भी स्थापना कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास ये मतलब कितने लोग हैं और कब से आपने चालू किया? करीब हमने ये मैंने स्टार्ट किया था से नो टू प्लास्टिक कैंपेन से, तो हम अकेले थे, उसके बाद से आज हम करीब 15 से 20 परमानेंट मेंबर हैं और अगर ओवरऑल सोशल ग्रुप की हम बात करें तो करीब 150+ लोग हमारे साथ हैं। आज का आप लोगों का दौरा कहाँ का था? ये आज हमने राहतगढ़ चुनाव किया था। राहतगढ़ से बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि हम राहतगढ़ आएँ, यहाँ के युवा चाह रहे थे कि हम उनको सिखाएं कि हम लोग सागर में कैसे करते हैं, तो हमने फिर निर्णय लिया कि इस बार हम राहतगढ़ चलेंगे और उनको एक डेमो देंगे, नेक्स्ट रविवार से वो लोग खुद से यहाँ पे काम। तो आज यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले? ये पूरी जो आप दीवार पीछे तरफ की दीवार है इसको हम पूरा पहले पेंटिंग करेंगे, फिर उसे बुंदेली आकृति बनाएंगे और कुछ बुंदेली स्लोगन भी लिखेंगे, तो वो हर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, हमारे आप 2 घंटे बाद देखिए दीवार बहुत शानदार होगी।
ओके थैंक यू। उसका आवेदन भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं शासन से कि आप पहले करवा दीजिए, और लगता है जब वो नहीं करते तो हम लोग खुद मैदान में आ जाते हैं और अपने पैसों से अपने उस दीवार को अच्छा करते हैं। तो बुंदेली आकृति ही बनाते हैं, जैसे कि हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य भी है कि अपनी बुंदेली संस्कृति को लोगों तक जाने पहुँचाएँ, तो हम उसे बुंदेली आकृतियाँ ही बनाते हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी रहती है, क्या क्या काम करते हैं? इसमें हम जैसे कि जन जागरण रैली निकालते हैं, से नो टू प्लास्टिक कैंपेनिंग करते हैं, कपड़े के थैले बांटते हैं, और इस तरीके से स्वच्छ सागर सुंदर सागर हमने एक अभियान को नाम दिया है, तो जो भी दीवारें गंदी दिखती हैं उन पर हम बुंदेली आकृति बनाते हैं। और आने वाले भविष्य में भी हम ब्लड बैंक का भी स्थापना कर रहे हैं, तो हमारी टीम का एक ब्लड बैंक का भी स्थापना कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास ये मतलब कितने लोग हैं और कब से आपने चालू किया? हमने ये मैंने स्टार्ट किया था से नो टू प्लास्टिक कैंपेन से, तो हम अकेले थे, उसके बाद से आज हम करीब 15 से 20 परमानेंट मेंबर हैं, और अगर ओवरऑल सोशल ग्रुप की हम बात करें तो करीब 150 प्लस लोग हमारे साथ हैं। तो आज का आप लोगों का दौरा कहाँ का था? ये आज हमने राहतगढ़ चुनाव किया था, राहतगढ़ से बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि हम राहतगढ़ आएँ, यहाँ के युवा चाह रहे थे कि हम उनको सिखाएं कि हम लोग सागर में कैसे करते हैं, तो हमने फिर निर्णय लिया कि इस बार हम राहतगढ़ चलेंगे और उनको एक डेमो देंगे, नेक्स्ट रविवार से वो लोग खुद से यहाँ पे काम। तो आज यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरी जो आप दीवार पीछे तरफ की दीवार है, इसको हम पूरा पहले पेंटिंग करेंगे, फिर उसे बुंदेली आकृति बनाएंगे और कुछ बुंदेली स्लोगन भी लिखेंगे, तो वो हर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे। आप 2 घंटे बाद देखिए, दीवार बहुत शानदार होगी। ओके थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हैं इंसान टीम द्वारा यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया है। हमें इंसान टीम निरंतर करीब कुछ महीनों से सागर में साफ सफाई अभियान का कार्य करती है, तो आज हमने यह कार्यक्रम अपने राहतगढ़ में चालू किया है। राहतगढ़ में बहुत समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हमने शुरुआत दीवारों की रंगाई पुताई से करी है, और ये एक जागरूकता अभियान है लोगों को बताने का कि हमें अपना शहर, जिसको हम अपना घर समझते हैं, उसे साफ रखना चाहिए। इस रंग रोगन में जो खर्च आ रहा है वो मतलब किसकी तरफ से है? मतलब ये हमारे ग्रुप की तरफ से है, ये हमें इंसान ग्रुप है, हम सभी सदस्य साथीगण इसमें आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, चंदा करके ये रंग खरीदते हैं और फिर इसी ये कलाकृति बुंदेली कलाकृति बनाकर दीवारों को सजाते हैं। एक संदेश है हमारा स्वच्छता बनाने का, स्वच्छता दिखाने का। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।